ट्रेंड शुरू हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट के केस में, वो भी आप लोग सब जानते होंगे, बत्रा वर्सेस बत्रा में। तो बत्रा वर्सेस बत्रा में ऐसा हुआ था कि जो वाइफ थी वो रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ एक घर में। वो घर था उनकी मदर इन लॉ के नाम पे, ओनरशिप उनके मदर इन लॉ के नाम पे थी। तो जब वो उन्होंने जाके जब कोर्ट में मांगा कि भाई हमारा ये हमारा मैट्रिमोनियल होम है और हमारा राइट ऑफ रेजिडेंस है इसमें, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपका जो राइट ऑफ रेजिडेंस है वो आपके सिर्फ हस्बैंड के घर में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये राइट ऑफ रेजिडेंस आप जाके अपने इन लॉ के मदर इन लॉ के घर में मांगे, क्योंकि और उन्होंने कहा ये शेयर्ड हाउसहोल्ड का जो सेक्शन है ये बहुत क्लमजली ड्राफ्टेड है और इसमें ये तो नहीं हो सकता कि अगर, उन्होंने बहुत इसको रिडिकुल करा और उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता अगर औरत जाए अपने हस्बैंड के अंकल के घर या अपने हस्बैंड की सिस्टर के घर रहने के लिए तो उसके बाद बोले कि भाई ये हमारा राइट ऑफ रेजिडेंस इसमें है, ये तो बिल्कुल गलत होगा और ये बिल्कुल लॉ को एक एब्सर्डिटी पे रिड्यूस करना हुआ और इसीलिए ये हो नहीं सकता। और इसीलिए ऐसा ही सिर्फ हो सकता है कि भाई जब उसके इन लॉ का घर ना हो तब उसका राइट ऑफ रेजिडेंस है, और ये कोई ब्रेकिंग नहीं है जिसपे ये कानून था, उन्होंने कानून को कोट करा मैट्रिमोनियल होम्स एक्ट या कुछ, और कि 67 वो भी पुराना उसमें राइट ऑफ ऑक्यूपेशन वाइफ का था, तो ये नहीं है। ये तो उन्होंने बहुत अपना ये दिया, मतलब उनका इंटरप्रिटेशन जो शेयर्ड हाउसहोल्ड का था हमारे